हम लोग से जो है ना लोग इतना क्यों जलते हैं, हम लोग को इतना ताना क्यों मार। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सब एक चीज मुझे बताएं, अगर जरा सी भी कॉमन सेंस नाम की चीज है, क्या कुछ पैसों के लिए कोई इंसान मतलब गली गली जाके नाचेगा, क्या स्टेज पे नाचेगा? इतनी घटिया सोच हो गई है यार, कुछ पैसों के लिए। यार इतना गलत मत बनाओ किसी को भी, बिना कहे बिना जाने बिना समझे। ऐसी भी दुनिया है दोस्तों। आज की वीडियो में आप सबको यही मिलेगा देखने के लिए कि किस तरह से लोग आरती को कहते हैं, मतलब वो जो कमाती है। तो यही सब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी जो है अपना काम करते हैं तो अपने पेट भरने के लिए ही करते हैं, कोई शौक से नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे भी आप लोग सोशल मीडिया को जानते नहीं है। सोशल मीडिया क्या चीज है आप लोगों को पता नहीं है, और मेरा बात सुन लीजिए कान खोल करके। पैसे पे कोई भी घमंड मत करो, ठीक है। पैसे जो खाती है अपनी मेहनत का खाती है, फिर भी उसमें लोगों को जलन है। किस तरीके से लोग जलन कर रहे हैं यार, जलन पैदा करने से अच्छा है तो कुछ कर लो ना, हुनर लाओ ना अपने अंदर। हुनर लाने की चीजें नहीं है, मेहनत मत कर लेना, दूसरों को उंगली उठाने के लिए तैयार रहना। आप लोग क्या बोल रहे हो कि आरती नचनिया है? अरे कुछ तो शर्म करो सालो, एक कौड़ी की शर्म नहीं रही बिल्कुल भी। और आरती जी, आप ऐसे लोगों की बातों को फोकस मत किया करो। पहले ऐसे लोगों की बातों घटिया, खुद घटिया होते हैं तो दूसरों को क्या अच्छी राय देंगे? चार पैसे जेब में आते तो अपनी अकड़ भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग। पर आरती जी, आप सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखिए, ये मेरा। तो गाइस, आज की वीडियो हम देखते हैं ये वाली, हम लोग जो मन्नू भैया कुछ बातें आप सबसे कहेंगे। साटा पे भेज दो, एक पैसा कमा के बहुत देंगे। मेरा बात सुन लीजिए कान खोल करके। पैसे पे कोई भी घमंड मत करो, ठीक है। पैसे जो है ना लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी दस द्वारी होते हैं, आज हमारे पास तो कल उनके पास। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत हमारे ब्लॉग। सही बात है दोस्तों, क्योंकि लोग उनसे जलन पैदा करते हैं तभी तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी अफवाहें फैला रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं आरती के लिए। आरती तो आपके घर नहीं नाचने आती भैया जी, क्या आपसे पैसा मांगने आई है वो लेडीज? अरे शर्म करो अपने, कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो रखो यार। दोस्तों कुछ लोग ना मतलब कि आरती के लिए नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव बातें बोल देते हैं कि आरती मतलब स्टेज पे जाके नाचती है तो उसको पैसा आता है। यार नाचने का पैसा नहीं मिलता उनको, मेहनत का पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पूरे दिन फोन ले लेके ऐसे घूमते रहते हैं। ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, मेहनत से कमाया जाता है। ये भी एक एक चीज दिखाते हैं, कोई गंदी चीजें हमें देखी कभी? देखी आपने? कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाते वो लोग, इतनी अच्छी संस्था वाली, मतलब कि घरेलू, घर में क्या हो रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है, मम्मी जी कैसी हैं, पापा जी कैसे हैं, मतलब हर चीज अपनी फैमिली के बारे में, डेली का रूटीन ब्लॉग। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए क्या आपको गलत बोला जाएगा? नहीं ना दोस्तों। तो प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक, किसी को गलत कहने से हम सही नहीं हो जाएंगे। और आरती के बारे में ऐसा गलत अफवाह ना फैलाएं दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है। वो लड़की कितनी मेहनती है यार, उसके साथ देने वाला को भी आप गालियां दे रहे हो, कितनी गलत बात है, ऐसा ना करो। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं वही समझ सकते हैं। हालांकि आरती जी हमारी कुछ लगती नहीं है, फिर भी हम इंसान है, इंसानियत के नाते यही कहेंगे कि उस लड़की के लिए इतना गलत ना बोले। वो मेहनत ही करती है, मेहनत की खाती है और किसी के तलवे नहीं चाटती है, ठीक है। वीडियो में देखो कितनी मेहनत करती है, नाच नाच के भी, घूम घूम के भी, कभी कैसी वीडियो कभी कैसी, पर गलत वीडियो मैंने कभी उसको आज तक देखा ही नहीं। तो मन्नू आरती, आप सबके साथ हम हैं, आपके सपोर्टर हमेशा साथ में रहेंगे। कभी आपके लिए गलत बोलेगा जो, उसके लिए तो हम खड़े रहेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, और आप लोग वीडियो बनाओ, और हम सबको आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, और हम आपकी वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो गाइस, गलत बात पे गलत बात बोला करो, अच्छी बात पे अच्छी कमेंट किया करो, किसी के लिए भी गलत शब्द नहीं प्रयोग ना करें। हाथ जोड़ के आप सबसे वीडियो विनती है मेरी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। बाय बाय।